फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच. हम कॉकरोच के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, एक बार इस बात को समझते हैं. बेसिकली कॉकरोच जो है वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है, मतलब कि इंसेक्ट ग्रुप का मेंबर है. और इंसेक्ट जो है हमारे अर्थ प्लेनेट पे सबसे ज्यादा मिलते हैं. ठीक है, वो डिजीज भी कॉज करते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं वो कई मायनों में. तो इस वजह से सिर्फ एक कॉकरोच की हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ते हैं. इससे क्या होता है कि हम बाकी के इंसेक्ट्स को उससे रिलेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई कॉकरोच को पढ़ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉकरोच. कॉकरोच जो है वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है. ऑर्थ्रोपोडा में क्यों आता है? ऑर्थ्रो मतलब जॉइंट्स है ना, और पोडा मतलब लेग्स, क्योंकि उसके जो लेग्स हैं वो जॉइंटेड है. दैट्स व्हाई ऑर्थ्रोपोडा. दूसरा काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है इसका. जो स्केलेटन है उसका काइटिनियस है ना, काफी ज्यादा हार्ड होता है. क्लियर? और काइटिन का बना हुआ होता है. काइटिन इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस. क्लास इंसेक्टा का मेंबर है. इसकी जो क्लास है वो क्या है? इंसेक्टा. इसमें थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं. दैट्स व्हाई ऑर्डर जो है वो डिक्टियोप्टेरा है. ठीक है, क्योंकि इसमें जो विंग्स हैं वो डिसिमिलर हैं, मतलब इसके दो पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इस पे, और जो दोनों पेयर्स हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. जीनस पेरिप्लेनेटा है. ठीक है, और स्पीसीज अमेरिकाना है. सो मॉर्फोलॉजी, तो ये कॉकरोच है, उसका ये हेड रीजन होता है, दिस इज द थोरेक्स, और उसके नीचे एब्डोमेन है ना. हेड थोरेक्स मतलब चेस्ट वाला रीजन, और उसके बाद एब्डोमेन. उसके बाद इसके पास थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं. क्लियर? और टू पेयर्स ऑफ विंग्स हैं. जो बड़े वाले विंग्स हैं दे आर कॉल्ड द फोर विंग्स है ना, और जो नीचे वाले विंग्स हैं, छोटे वाले विंग्स हैं, दे आर कॉल्ड द हिंड विंग्स. फोर विंग्स जो है वो हिंड विंग्स को ऊपर से कवर करके रखते हैं. क्लियर? और उसके बाद यहां पर ये कंपाउंड आईज प्रेजेंट है. क्लियर? तो द अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, मतलब जो एक कॉमन स्पीसीज है कॉकरोच की उसका नाम क्या है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना. और वो अबाउट 34 टू 53 एमएम की होती है. ठीक है, एंड जो उसके विंग्स होते हैं वो एब्डोमेन तक आते हैं, है ना, ये एब्डोमेन तक आ रहे हैं. द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू द थ्री डिस्टिंक्ट रीजंस. फर्स्ट इज द हेड, सेकंड इज द थोरेक्स, एंड फिर नीचे एब्डोमेन. क्लियर? द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन. जो पूरी बॉडी है कॉकरोच की वो एक हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है ना. उसके ऊपर काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है. एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन जो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. क्लियर? इन ईच सेगमेंट. और अब जो ये सेगमेंट्स होती हैं है ना, इसमें यहां पर सेगमेंट्स हैं, इस तरह की आपको सेगमेंट दिखाई दे रही हैं, इस तरह से पूरी बॉडी में सेगमेंट्स होती हैं. इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट्स है ना, और वो हार्ड प्लेट्स हैं उसके ऊपर जिसको कवर करके रख रही हैं. एंड दीज प्लेट्स आर कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स. उन्हें क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स. ठीक है, और ये जो स्क्लेराइड्स हैं वो आपस में, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेगमेंट है, इस एक सेगमेंट और इस वाली एक सेगमेंट के बीच में है ना, यहां पर जॉइंट होता है, वो जुड़ी हुई होती हैं है ना. एंड दे आर जॉइंटेड बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. क्लियर? और जो स्क्लेराइट, अब ये जो स्क्लेराइट है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. तो जो स्क्लेराइट रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो उसमें डॉर्सल मतलब जो ऊपर की तरफ है ना, उसके बैक पर जो स्क्लेराइट है उसको हम बोलेंगे टर्जम और टर्जाइट. और जो वेंट्रली प्रेजेंट है, मतलब कि जो उसकी जिस नीचे की तरफ प्रेजेंट है ना, वो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टर्नम और स्टर्नाइट. क्लियर? तो एक टर्जम और एक स्टर्नम से मिलकर एक स्क्लेराइट बनता है, और वो एक स्क्लेराइट कहां प्रेजेंट है? एक सेगमेंट पर. नेक्स्ट है, अब हम अलग अलग पढ़ेंगे. तो पहला है हेड. तो हेड अगर देखें तो हेड इसका कैसा होता है? ट्रायंगुलर इन शेप होता है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स है ना. ये ट्रायंगुलर शेप का है, आप देखिए इधर इस तरह से, और वो सिक्स सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है. मतलब कि जब ये अनमैच्योर होता है तब उसके अंदर सिक्स सेगमेंट्स होती हैं, और बाद में वो फ्यूज होकर है ना कितनी हो जाती है? एक ही सेगमेंट हो जाती है. ठीक, और इस हेड के ऊपर एक कंपाउंड आईज का पेयर भी होता है. तो ईच आई, कंपाउंड आईज को हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हर आई के अंदर अबाउट 2000 हेक्सागोनल शेप के ओमेटिडिया होते हैं. क्लियर? और ये ओमेटिडिया क्या करते हैं कि ओमेटिडिया के थ्रू क्या होता है कि एक कॉकरोच जो है वो बहुत सारी इमेजेस जो है किसी एक ऑब्जेक्ट की रिसीव करता है. क्लियर? और जब एक ही ऑब्जेक्ट की वो हर ओमेटिडिया से क्या कर रहा है? एक इमेज रिसीव कर रहा है. तो अबाउट 2000 इमेजेस उसके ब्रेन में जाएंगी. ठीक है, और ब्रेन में 2000 जो इमेजेस जाएंगी तो उस तरह के विजन को हम बोलते हैं मोजाइक विजन है ना. एंड विद मोर सेंसिटिविटी, और ये सेंसिटिव काफी है बट रिजोल्यूशन इसका काफी कम होता है. और ये जो है उसको नाइट के टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. दैट्स वाई इनका जो कॉकरोच का जो विजन होता है वो नॉक्टर्नल होता है. ठीक है, और नॉक्टर्नल होने की वजह से आप देखना कॉकरोच जो है अंधेरे में, अंधेरा होते एकदम से बाहर आ जाते हैं.
ऑन द लिटरल साइड ऑफ द हेड एपेक्स ए पेयर ऑफ एंटीनी आर प्रेजेंट, है ना। हेड एपेक्स के लिटरल साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो एंटीना प्रेजेंट है दो, ठीक है, एक पेयर में, एक्ट एज मेन रिसेप्टर ऑफ टच, और ये जो एंटीना है ये टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि उसको जब वो मूव करता है तो उससे वो सेंसेशन लेता है, टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं और वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, है ना। कोई वाइब्रेशन अगर इन्वायरमेंट में हो रही है तो उसको भी रिसीव करना है, काम कौन करते हैं, ये एंटीनीज। नेक्स्ट है माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच अगर देखे जाए तो जैसे उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जो उसका माउथ है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, मतलब कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, जस्ट जैसे जो हेड है उससे मैंने बताया था डॉर्सल सरफेस क्या होता है, ऊपर वाला सरफेस, और वेंट्रल सरफेस होता है नीचे वाला सरफेस, तो उसका माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है, क्लियर। और जो माउथ पार्ट्स हैं वो बेसिकली क्या क्या है, जैसे एक पेयर ऑफ द मैंडिबल्स, है ना, उसमें एक पेयर मैंडिबल होता है, मतलब मैंडिबल्स मतलब कि लोअर जो, एक मैक्सिला होता है, ठीक है, मतलब कि अपर जो, लेबियम होता है दैट इज द अपर लिप, ठीक, एंड लैब्रम होता है, ठीक, दैट इज द लोअर लिप, और उसके बाद एक हाइपोफेरिंग्स होता है ना, हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं टंग को। तो ये मैंडिबल प्रेजेंट है ना, लोअर जो, मैक्सिला ऊपर की तरफ प्रेजेंट है दैट इज द अपर जो, लैब्रम प्रेजेंट है अपर लिप, लेबियम प्रेजेंट है लोअर लिप, और बीच में यहां पर ये टंग प्रेजेंट है दैट इज द हाइपोफेरिंग्स, क्लियर। तो लैब्रम एक्ट एज अपर लिप, ठीक, लेबियम एक्ट एज लोअर लिप, मैंडेबल्स बेसिकली इसमें टीथ्स होते हैं, है ना, और जस्ट उसको बाइटिंग में हेल्प करते हैं, मैक्सिला फॉर कटिंग एंड च्यूइंग दोनों में हेल्प करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं मैक्सिला पर, मतलब कि वो स्मेल लेने का काम भी मैक्सिला से करता है, हाइपोफेरिंग्स इट बियर सेवरल सेंसरी सिटी ऑन इट्स फ्री एंड एंड द ओपनिंग ऑफ कॉमन सलाइवरी डक्ट ओपन इट्स बेसल पार्ट, है ना, और जो सलाइवरी डक्ट है वो भी हाइपोफेरिंग्स पर ही ओपन होता है, और ये जो माउथ पार्ट है इनका मेन फंक्शन क्या है, बाइटिंग एंड च्यूइंग। नेक्स्ट है थोरेक्स। जिसका थोरेक्स है मतलब हेड रीजन के पीछे वाला रीजन, ठीक, उसके अंदर तीन सेगमेंट्स होती हैं, जो सबसे आगे वाली सेगमेंट है इट इज कॉल्ड द प्रोथोरेक्स, बीच वाली सेगमेंट को बोलते हैं मीजोथोरेक्स, और जो पीछे वाली सेगमेंट है इट इज कॉल्ड द मेटाथोरेक्स, क्लियर। तो बेसिकली ये जो थोरेक्स है वो हेड से कनेक्ट होता है बाय शॉर्ट एक्सटेंशन कॉल्ड एज द नेक, है ना, बीच में छोटी सी नेक भी होती है, मतलब प्रोथोरेक्स और हेड के बीच में नेक भी प्रेजेंट होती है। जो कॉकरोच होता है उसमें थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब लेग्स होते हैं, तीन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो वेंट्रली होते हैं, मतलब वेंट्रल पोर्शन पे होते हैं अटैच्ड, क्लियर, जो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। जो एक लेग है उसके अंदर फाइव सेगमेंट्स होती हैं, जो सबसे बड़ी वाली सेगमेंट है इट इज कॉल्ड द कॉक्सा, आगे नी का जो काम करती है दैट इज द ट्रोकेंटर, फिर ये नीचे वाली जो सेगमेंट है इट इज द फीमर, और जो नीचे ये है दिस इज द टीबिया एंड इट इज द टार्सस। तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस, इन पांच सेगमेंट से मिलके उसका एक लेग बनता है, क्लियर। तो उसके पास लेग्स कितने हैं, सिक्स, तो फाइव इंटू सिक्स 30, इसका मतलब कि उसके लेग्स में टोटल सेगमेंट्स कितनी है 30, क्लियर, और एक लेग में कितनी सेगमेंट है 5। तो जो कॉकरोच होता है उसमें टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, मैंने अभी दिखाया था आपको डायग्राम कि जो आगे वाला पेयर था दैट इज द फोर विंग, और फोर विंग को हम टेगमिना या इलाइट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये जो टेगमिना होता है, ये जो तीन सेगमेंट्स थी तो उसमें से जो मीजोथोरेक्स है उस पर अटैच्ड होता है, मतलब कि जो फोर विंग है वो कहां अटैच होते हैं, डॉर्सली, मतलब ऊपर प्रेजेंट होते हैं और डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं और मीजोथोरेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और ये बेसिकली हिंड विंग को कवर करने का काम करते हैं, पहला काम इनका, और दूसरा ये प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन में, है ना, ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, ठीक है। दीज आर डार्क, स्टिफ, ओपेक एंड लेदरी, है ना, आपने देखा था वो डार्क कलर के थे, ओपेक थे ना, बिल्कुल भी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और लेदरी थे, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, क्लियर। इसके बाद है जो हिंड विंग्स हैं, ठीक, वो लार्ज थे, थिन थे, बहुत पतले होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ प्रेजेंट थे। दे आर केप्ट फोल्डेड बिलो द टैगमिना, मतलब जो टैगमिना जो फोर विंग है उसके नीचे वो रहते हैं, फोल्डेड रहते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। एक्चुअली में जो हिंड विंग है वही जो है वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, ये ध्यान रखना है। जो टैगमिना है उसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है, मतलब कि जो फोर विंग्स है उसका काम सिर्फ क्या है, प्रोटेक्शन का, क्लियर। नेक्स्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, दोनों के अंदर 10 सेगमेंट्स होती हैं एब्डोमेन की, क्लियर। बट इन फीमेल्स जो 7th स्टर्नम है, मतलब कि जो वेंट्रल पोर्शन पर जो स्क्लेराइट है, क्लियर, विद 8th एंड 9th स्टर्नम फॉर्म्स ए ब्रूड और जेनिटल पाउच, है ना, या फीमेल का स्टर्नम देख रहे हैं यहां पर ये,
ठीक है, और ये यहाँ पर, तो ये वेंट्रली आप देखो यहाँ पे ओविपोजिटर जो होता है वो फीमेल्स में होता है, तो ये वेंट्रल व्यू है इसका और ये डॉर्सल व्यू है ये वाला, क्लियर। तो जब वेंट्रल व्यू में आप देखेंगे तो सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ मिलकर क्या बनाती है, एक जेनाइटल पाउच बनाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज जेनाइटल पाउच, क्लियर। क्यों इसको जेनाइटल पाउच बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर इसका वेजाइना प्रेजेंट है, और मेल्स के केस में जो जेनाइटल पाउच होता है वो नाइन्थ और टेंथ सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है डॉर्सली, क्लियर। ये प्रेजेंट है ऊपर, ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक। और वेंट्रल नाइन्थ सेगमेंट पर, मतलब वेंट्रल नाइन्थ स्टर्नम और डॉर्सल नाइन्थ और टेंथ दोनों से मिलकर क्या बनता है, एक जेनाइटल पाउच बनता है ना, जेंडर जेनाइटल चैम्बर बनता है। इन बोथ सेक्सेस द टेंथ सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल्सरसी, है ना। आप ये वाले सेगमेंट देख रहे हैं, ये वाला जो है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द एनल्सरसी। तो वो मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, और टेंथ सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, क्लियर। और इसका काम क्या है, एनल्सरसी का, साउंड को रिसीव करने का, ये साउंड रिसेप्टर की तरह काम करता है। वन पेयर ऑफ स्पाइन है ना लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द नाइन्थ स्टर्नम, नाइन्थ स्टर्नम में, अगर ये नाइन्थ स्टर्नम है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक पेयर ऑफ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द एनल स्टाइल। और ये एनल स्टाइल जो होता है वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पर वो एबसेंट होता है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का वो एलिमेंट्री केनाल से बनता है, तो जो एलिमेंट्री केनाल कैसी होती है इसकी, लॉन्ग होती है, ठीक है, कॉइल्ड होती है, और उसके बाद उसमें तीन रीजन्स होते हैं, है ना, एक फोरगट मतलब कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आगे प्रेजेंट है, मिडगट जो बीच में प्रेजेंट है, और हिंडगट जो पीछे प्रेजेंट है। जो फोरगट होता है उसको हम स्टोमेडियम भी बोलते हैं, और उसमें फाइव पार्ट्स होते हैं, एक बकल चैम्बर मतलब कि माउथ की कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, एंड फिर उसके बाद बड़ा ये वाला जो पाउच है लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड द क्रोप, और उसके बाद जो नीचे आप ये छोटा सा स्ट्रक्चर दे रहे हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द गिजार्ड। तो बकल कैविटी मतलब कि बकल चैम्बर, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, ये वाला क्रॉप एंड दिस गिजार्ड, इनसे मिलके क्या बनता है, फॉरगट, ठीक है। जो गिजार्ड है वो मस्कुलर होता है और इंटरनली प्रोवाइडेड विद द सिक्स क्यूटिकुलर टीथ, है ना, उसके अंदर सिक्स क्यूटिकुलर टीथ होते हैं जो कि फूड को क्रश करने का काम करते हैं। तो मिडगट और गिजार्ड के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड द स्टोमेडियल वॉल्व, ठीक है। और मिडगट जो होता है वो एक शॉर्ट ट्यूब है, ट्यूबलर है, लाइंड विद ग्लैंडुलर एंडोडर्म, है ना, उसमें अंदर की तरफ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एट एंटीरियर एंड ऑफ द मिजेंट्रॉन मतलब कि मिडगट, मिडगट को हम मिजेंट्रॉन या वेंट्रिकुलस भी बोल देते हैं, देर आर एट ब्लाइंड ग्लैंडुलर हिपेटिक सीकी, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर यहां पर अगर आप देखें तो गिजार्ड और मिडगट के जस्ट जंक्शन पर, है ना, यहां पर ये इस तरह के ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दीज ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर आज कॉल्ड द हिपेटिक सीकी, है ना। हिपेटिक वर्ड यूज होता है किसके लिए, लीवर के लिए, जैसे ह्यूमन में भी हिपेटिक मतलब लीवर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रीट करते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे यहां तक मिडगट है, मिडगट के बाद यहां पर हिंडगट है, तो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर यहां पे बहुत पतले पतले फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एज अ मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, और ये मालफीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी होते हैं फंक्शन में, मतलब कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे किडनीज ह्यूमन में हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, वैसे ही मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो कॉकरोच में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो हिंडगट है, हिंडगट को हम प्रोक्टोडियम भी बोलते हैं, और ये यहां पर इसमें तीन रीजन होते हैं, एक पतली ट्यूब ये वाली, दिस इज द इलियम, फिर ये बड़ी वाली ट्यूब, इट इज द कोलोन, और लास्ट में ये रेक्टम, और फाइनली एनस, क्लियर। तो बेसिकली जो रेक्टम की वॉल होती है ना, रेक्टम जो है यहां पर जो इसकी वॉल है, वहां पर सिक्स रेक्टल पेपिली होते हैं, है ना, मतलब कि जस्ट कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, मतलब कॉकरोच की बॉडी में से जितना भी वाटर होता है ना, वो सारा का सारा बाहर ना चला जाए बॉडी से, उसको वहां पर एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, रेक्टल पैपिली का, क्लियर। सिर्फ फीकल मैटर, सॉलिड फीकल मैटर बाहर जाता है इधर से, ठीक है, क्योंकि वाटर यहां पर सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर कॉकरोच जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑमनिवोर्स होते हैं, फीड ऑन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक डेब्रिश, जो इसका सलाइवा है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, सेलुलेज, काइटिनेज एंड अमाइलेज। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड आर डाइजेस्टेड इन द क्रॉप, जितने भी जो भी वो फूड खाता है उसके जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब के सब कहां डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्रॉप में। और जितना भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो सारा कहां होता है, मेसेंट्रॉन में या फिर मिडगट में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कॉकरोच की बॉडी पर लेटरल साइड में 10 पेयर्स होल्स प्रेजेंट है, एंड दीज होल्स आर कॉल्ड द स्पाइरेकल, मतलब कि दो दो एक पेयर एक दो साइड में, क्लियर।
उनको क्या बोलते हैं हम, स्पायरिकल्स, है ना। इस तरह के होल्स प्रेजेंट होते हैं ना बॉडी में। आप ये बात समझिए कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, कॉकरोच की बॉडी के अंदर, और ये इस तरह का एक होल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो दो पेयर होते हैं स्पायरिकल्स के, वो थोरेक्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पर, क्लियर, प्रोथोरेक्स पे नहीं होते हैं। और 8 पेयर्स एब्डोमेन में होते हैं, मतलब एब्डोमेन 10 सेगमेंट्स थी, तो 10 में से जो शुरू की 8 प्रेजेंट है उन पर ये वाले स्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये स्पायरिकल जो है वो एक ट्यूब के अंदर ओपन हो रहे हैं, एंडिकुलर ट्रैकिया, ठीक है। और ये ट्रैकिया फिर पतले पतले और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में जा रहा है, इट इज कॉल्ड ट्रैकियोल्स, और यहां पर ट्रैक्यूलर सेल्स हैं। तो जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है गैसेस का, जो भी वो एयर ले रहा है, क्लियर, वो इस ट्रैक्यूल सेल और जो इसके बाहर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसके बीच में वहां पर डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो थिन ब्रांचिंग ट्यूब कॉल्ड ट्रैक्यूल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स, है ना। वो स्पायरिकल के थ्रू एयर अंदर आती है इधर से, और इन ट्रैक्यूल के थ्रू कहाँ आती है, सेल में। द ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंस्टर। हाँ, एक बात यहां रखनी है कि यहां पर क्या होती है कि स्पिंस्टर मसल प्रेजेंट होती है, क्लियर। जो स्पिंस्टर मसल्स जो होती हैं उसको रेगुलेट करती हैं कब उसको एयर लेना है कब नहीं लेना है। तो ये जो स्पिंस्टर मसल होती है ये भी बेसिकली दो पेयर्स पर, है ना, मतलब कि जो दो पेयर ऑफ स्पायरिकल है उन पर एब्सेंट होती है, मतलब वहां तो वो परमानेंटली ओपन होते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ स्पायरिकल ऑफ थोरेक्स, है ना, एंड एब्डोमेन, मतलब कि जो फर्स्ट पेयर थोरेक्स का है, जो मिजोथोरेक्स वाला स्पायरिकल है उस पर कोई स्पिंस्टर मसल्स प्रेजेंट नहीं होती। और एब्डोमेन का जो फर्स्ट पेयर है, मतलब कि जो एब्डोमेन की फर्स्ट सेगमेंट है, वहां पर भी कोई स्पिंस्टर मसल नहीं होती, तो इस वजह से वो हमेशा ओपन रहते हैं। नहीं तो नॉर्मली ये स्पिंस्टर मसल क्या करते हैं कि जो स्पायरिकल है उसको क्लोज करके रखते हैं, जब जरूरत होती है तभी ये खुलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैकियोल एंड टिश्यू बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। नेक्स्ट है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। जो कॉकरोच में ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो बेसिकली ओपन टाइप का है, मतलब कि यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं होती है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। जिस कैविटी में पूरा का पूरा ये ब्लड प्रेजेंट है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसिल, क्लियर। और जो ब्लड होता है इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, मतलब लाइक हीमोग्लोबिन, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ, है ना। इस वजह से ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है इसका ब्लड, मतलब कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता है। जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है इसके अंदर, वो वहां पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक तो ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट है, एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है ये वाली, है ना, दिस इज द डॉर्सल ओर्टा, सिर्फ इतना ही पार्ट प्रेजेंट होता है, बाकी पूरा ब्लड जो है पूरी कैविटीज में ऐसे ही प्रेजेंट है, क्लियर। और इसको हम एंटीरियर ओर्टा भी बोलते हैं। एंड ए सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड ब्लड स्पेस और साइनसिस। और इसके अलावा यहां पर एक सिस्टम प्रेजेंट है ना, ब्लड स्पेसिस प्रेजेंट है जहां पर ब्लड प्रेजेंट होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज साइनसिस, एंड जो कैविटीज होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, साइनसिस। द लार्ज बॉडी कैविटी कॉल्ड हीमोसिल, है ना, और जो इसकी पूरी बॉडी कैविटी है जिसको हम हीमोसेल बोल रहे हैं, ये डिवाइड होती है दो मेम्ब्रेनस होरिजोंटल पार्टीशन से, दो यहां पर मेम्ब्रेनस होरिजोंटल पार्टीशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम, क्लियर। तो जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है इट इज द डॉर्सल डायफ्राम, और जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड द वेंट्रल डायफ्राम। बेसिकली इन्हीं होरिजोंटल पार्टीशन की वजह से यहां पर क्या होते हैं कि 3 वाइड फ्लैटेंड साइनसेस बन जाते हैं। द डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस, है ना, ये जो ऊपर वाला प्रेजेंट है ये वाला इतना स्पेस, इट इज कॉल्ड द डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है, कंटेनिंग द हार्ट, जिसमें हार्ट प्रेजेंट है। मिडल पेरिविसरल साइनस, जो बीच में ये जो पूरी कैविटी प्रेजेंट है, दिस इज, ये क्या है इसकी, विसरल साइनस, ठीक है, पेरिविसरल साइनस बोलते हैं इसको, जिसके अंदर गट और उसके ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला, ये वाला, इस वाले डायफ्राम और यहां पर जो प्रेजेंट है ये वाला स्पेस, दिस इज द पेरिन्यूरल साइनस, ठीक है, या इसको हम एक्सटर्नल साइनस भी बोलते हैं, जिसके अंदर नर्व कोड प्रेजेंट होती है, यहां पर ही नर्व कोड प्रेजेंट है। द पार्टीशन बिटवीन पेरिकार्डियल एंड पेरिविसरल साइनस इज कॉल्ड एज द डॉर्सल डायफ्राम, है ना, ये डॉर्सल डायफ्राम है, जो पेरिकार्डियल और पेरिविसरल के बीच में जो ये प्रेजेंट है इट इज द डॉर्सल डायफ्राम, और जो पेरिविसरल, है ना, और पेरिन्यूरल, ये जो है इनके बीच में जो ये वाला पार्टीशन है इट इज कॉल्ड एज द वेंट्रल डायफ्राम, क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल डायफ्राम। द साइनस इंटर कम्युनिकेट बाय पोर्स इन द रेस्पेक्टिव डायफ्राम, और जो ये साइनस हैं, है ना, वो यहां पर डायफ्राम के थ्रू पोर्स से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। यहां पर डायफ्राम में पोर्स होते हैं जिनसे ब्लड जो है वो एंटर और एग्जिट करता है, ठीक। ब्लड इज नॉट रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन, मैंने ये बात बता दी, है ना, क्योंकि वहां पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो इस वजह से वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता, बट इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, हॉर्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल। हार्ट जो होता है वो उसका 13 चैम्बर्ड होता है,
ठीक है। और जो ये हार्ट होते हैं वो कुछ मसल्स से है ना अटैच होते हैं डायफ्राम पर, ठीक। और दीज मसल्स आर कॉल्ड द एलरी मसल्स, इनको क्या बोलते हैं हम, एलरी मसल्स। और डायफ्राम जो है इन्हीं को स्ट्रेच कर, जैसे डायफ्राम इस मसल्स को खींचेगा तो क्या होगा कि जो ये चैम्बर है ये भी खुल जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड जो है वो इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो ब्लड जो एंटर करता है वो पोस्टीरियर एंड से एंटर करता है, देखो यहां पर एरो के थ्रू, ये पोस्टीरियर एंड एंटर करेगा। जिस पोर के थ्रू वो हार्ट के चैम्बर में एंटर करता है इट इज कॉल्ड द ओस्टिया, ठीक है। तो जब ये मसल्स डायफ्राम की उसको खींचेंगी तो ये चैम्बर खुलेगा, और चैम्बर जैसे खुलेगा तो वहां प्रेशर डिक्रीज होगा जिसकी वजह से ब्लड यहां पर अंदर जाएगा। फिर उसके बाद जैसे वो एलरी मसल्स रिलैक्स करेंगी तो वो क्या करेगा, इस ब्लड को आगे की तरफ चैम्बर में पुश करेगा, और इस तरह से ब्लड फ्लो होता हुआ कहां तक पहुंचेगा, ब्रेन के पास, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, ए पेयर ऑफ टोटल 12 पेयर ऑफ फैन लाइक है ना ट्राइंगुलर एलरी मसल्स प्रेजेंट होती है इन द फ्लोर ऑफ पेरिकार्डियल साइनस इन ईच सेगमेंट, है ना। ब्लड एंटर्स फ्रॉम द पेरिकार्डियल साइनस टू हार्ट थ्रू द ओस्टिया व्हेन द हार्ट चैम्बर रिलैक्सेस, जब भी हार्ट चैम्बर रिलैक्स करेंगे तो वो ब्लड एंटर करेगा पोस्टीरियर एंड की तरफ से। ईच हार्ट चैम्बर ब्लड इन टू द एंटीरियर चैम्बर वेन इट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आगे की तरफ एंटीरियर चैम्बर में देते हैं ब्लड, एंड दस ब्लड रीचेज इन टू द हेड साइनस, और फाइनली जो ब्लड है वो कहाँ पर पहुंचता हैड साइनस में, और यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आप लोगों ने देखा था, जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था तभी भी मैंने बताया था कि हिंड गट और मिड गट के जंक्शन पर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे, फाइबर लाइक ट्यूब्स प्रेजेंट थे, दे आर कॉल्ड द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो कॉकरोच के अंदर अबाउट 100 टू 150 माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है ये वाले, दे आर द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, जो उसके बाहर मतलब हीमोसिल के अंदर जो भी हीमोलिम्फ प्रेजेंट है उसके अंदर जो भी मेटाबोलिक वेस्ट है उस मेटाबोलिक वेस्ट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, देखो ये एरो से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो वेस्ट है फिर उसको वो क्या करते हैं कि हिंड गट के थ्रू मतलब कि इंटेस्टाइन और रेक्टम के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं, है ना। और जो भी उसमें वाटर होगा और सॉल्ट्स होंगे वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा रेक्टल की पेपलरी मसल्स, है ना, मैंने आपको बताया था, क्लियर। तो ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाय द ग्लैंडुलर और सिलेटेड एपिथीलियम, इसके अंदर ग्लैंडुलर और सिलेटेड एपिथीलियम होता है यहां पर, ठीक। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट, ये बात याद रखनी है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट वो एब्जॉर्ब करते हैं हीमोलिम्फ से वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में, ठीक है। और उनको फिर वो क्या करते हैं, पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी यूरिक एसिड के वजह से, ठीक है, जो कॉकरोच है वो कैसे हैं, यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक के अंदर ये एक एडवांटेज होता है कि वो पानी को कंजर्व करके रखते हैं, ठीक। इन एडिशन टू द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर कुछ फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड भी होते हैं, यूरिकोज ग्लैंड को अभी हम बाद में भी देखेंगे, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। तो जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है उसमें वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम नर्व रिंग बोलते हैं, क्लियर, और एक वेंट्रल नर्व कोर्ड प्रेजेंट है पेयर में, क्लियर, ये वेंट्रल नर्व कोर्ड है। जो इसका ब्रेन है उसको हम सुप्रा इसोफेजल गैंग्लिया बोलते हैं, मतलब कि इसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इस वजह से सुप्रा, ठीक है, और गैंग्लिया मतलब कि यहां पर बंच ऑफ न्यूरॉन्स है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया, क्लियर। देयर नर्व्स, जो ये ब्रेन है मतलब कि नर्व रिंग जो ये प्रेजेंट है इसको नर्व रिंग बोलते हैं, ठीक है, नर्व रिंग भी बोलते हैं। तो जो ये नर्व रिंग्स प्रेजेंट है ये बेसिकली नर्व सप्लाई करती है किसको, एंटीना को और आइज को, ठीक। और जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ठीक है, वो 9 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, पेयर्ड प्रेजेंट है, पहली बात तो पेयर आपको दो इस तरह के नर्व कॉर्ड दो दिखाई दे रही होंगी, पेयर में प्रेजेंट है, एंड हैज 9 सेगमेंटल गैंग्लिया, और इसमें 9 इस तरह के सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं जो कि सेगमेंट्स के बीचों बीच प्रेजेंट है, क्लियर। जिसमें से तीन तो जो होते हैं वो थोरेक्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में, और बाकी के जो 6 हैं, ठीक है, वो एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं, मगर जो लास्ट सेगमेंट, लास्ट वाला जो इसका गैंग्लिया होता है वो 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेवरल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द नर्व रिंग एंड नर्व कोड इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड ऑल दीज नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। देखिए आप बहुत सारी नर्व्स जो है ना वो इन गैंग्लिया से बाहर जा रही, बाहर की तरफ जा रही हैं, है ना, और ये सब न्यूरॉन्स जो हैं वो मिक्स्ड नर्व्स हैं, मतलब कि वो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन की तरह काम करती हैं। जो इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें 5 गैंग्लिया होते हैं, और बेसिकली वो इनवॉलेंट्री फंक्शन जितने भी होते हैं उसके, एलिमेंट्री कैनाल के, है ना, हार्ट के, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का।
नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पहली बात तो है कि वो डायोशियस है, मतलब कि उसमें मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट है, दैट्स वाई डायोशियस सिस्टम है ना। हम ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मेल अलग है फीमेल अलग है। अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन हो, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स भी हो और फीमेल भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस। क्लियर? तो ये क्या है, डायोशियस है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सेस क्या है, सेपरेट। इसके अलावा इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है, पेयर प्रेजेंट है, एक टेस्टिस ये है और एक टेस्टिस ये है, और हर टेस्टिस में 3 से 4 लॉब्स होते हैं। आपको ये लॉब्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तो ये 3 से 4 लॉब्स होते हैं, और ये एब्डोमिनल कैप सेगमेंट 4, 5 और 6 पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप इसको काउंट करेंगे तो 4 to 6 प्रेजेंट है। इसके बाद जो टेस्टिस है वहां से जो ट्यूब जा रही है नीचे की तरफ, इट इज कॉल्ड द वास डिफरेंस। ठीक है, ये वास डिफरेंस है, एंड दिस वास डिफरेंस देन ओपन इनटू ए कॉमन डक्ट कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। वो जाकर जिस डक्ट में ओपन होती है दैट इज कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। ये वाला जो डक्ट है इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली जिस पोर से, है ना, बाहर की तरफ जाता है, इट इज कॉल्ड द मेल गोनोपोर। उसको क्या बोलेंगे हम, मेल गोनोपोर। तो तो वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम द ईच टेस्टिस एंड दीज ओपन इन एन इजेक्युलेटरी डक्ट थ्रू द सेमिनल वेसिकल्स। हाँ, है ना, जब यहां पर इसके जंक्शन पर, मतलब कि वास डिफरेंस और इजेक्युलेटरी डक्ट के जंक्शन के ऊपर यहां पर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर कॉल्ड सेमिनल वेसिकल्स। क्लियर? एंड इजेक्युलेटरी डक्ट ओपन आउटसाइड बाय द मेल जेनेटल पोर, जिसको हम मेल गोनोपोर भी बोलते हैं, सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस, और ये एनस से वेंट्रली प्रेजेंट होता है, मतलब कि एनस के नीचे प्रेजेंट होता है, एनस ऊपर होता है। एक ग्लैंड एसोसिएटेड विद सेमिनल वेसिकल्स कॉल्ड मशरूम ग्लैंड, है ना। यहां पर आप देखें ऊपर की तरफ ये वाला जो ग्लैंड है, इट इज कॉल्ड एज द मशरूम ग्लैंड, मशरूम की तरह का होता है, और इसको हम मशरूम ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसमें दो टाइप की ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, एक स्मॉल ट्यूब और एक लॉन्ग ट्यूब्स। ठीक है, जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं, जो ऊपर की तरफ ये लॉन्ग ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये लॉन्ग ट्यूब्स है ना, और जो नीचे प्रेजेंट है दे आर द स्मॉल ट्यूब्स। ये नीचे वाली जो छोटी छोटी हैं दे आर द स्मॉल ट्यूब्स, और जो बड़ी वाली हैं दे आर द लॉन्ग ट्यूब्स। जो लॉन्ग ट्यूब्स की टिप होती है वो यूरिकोज ग्लैंड कहलाती है ना, और वो मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था, वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ठीक, इसके बाद एक ग्लैंड लोकेटेड ऑन मशरूम ग्लैंड है ना, मशरूम ग्लैंड के ऊपर जो ये बड़ा वाला ग्लैंड है, इट इज कॉल्ड द फैलिक ग्लैंड, और जो फैलिक ग्लैंड का डक्ट है वो सेपरेट है। ये वाला जो डक्ट दिखाई दे रहा है आपको ना, डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड, ये बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेट ओपनिंग से ओपन होता है। क्या फंक्शन है इसका, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक, देर आर 3 एसिमेट्रिकल काइटेनस स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द मेल जेनेटल पोर कॉल्ड द मेल गोनोपोफाइसिस। ठीक, जो बेसिकली यहां पर क्या होता है, कुछ काइटेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम मेल गोनोपोफाइसिस बोलते हैं, जिनको हम फेलोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसके फेलोमियर्स हैं, यहां पर एक फेलोमियर यहां पर प्रेजेंट है, दिस इज द लेफ्ट फेलोमियर। ठीक, और यहां पर ये इसका ये वाला फेलोमियर है, इट इज द राइट फेलोमियर, और यहां पर ये वेंट्रल फेलोमियर। जो आपको ये सबसे बड़ा वाला फेलोमियर दिखाई दे रहा है, दिस इज द लेफ्ट फेलोमियर, और जो सबसे छोटा है इट इज द वेंट्रल फेलोमियर। ऑल स्पर्म्स ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स आर ग्लूड टुगेदर इनटू ए लार्ज बंडल कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर्स। जितने भी स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, वो क्या करते हैं कि वो एक साथ में ग्लू हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और वो जो बंच होता है स्पर्म्स का, बंडल जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। अब इन स्पर्मेटोफोर्स के ऊपर क्या होता है कि कुछ लेयर्स बनती हैं वॉल्स की। ठीक है, और वो जो उसमें सबसे जो अंदर की लेयर होती है ना, 3 लेयर्स बनती हैं, तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जो है मशरूम ग्लैंड के, है ना, मतलब कि ये जो यूट्रिकुलर ग्लैंड है उसकी जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं। क्लियर? उसकी पहली लेयर को, जो उसकी उसके ऊपर की लेयर होती है, मतलब कि जो मिडल लेयर है, ठीक है, वो इजेक्युलेटरी डक्ट सिक्रीट करता है, और जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, वो फैलिक ग्लैंड सिक्रीट करता है। क्लियर? तो इसका मतलब है उसमें कितनी लेयर आ गई स्पर्मेटोफोर के ऊपर, 3 लेयर्स आ गई। तो वो एक केस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब एक सोप केस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है ना, तो वो 3 मेम्ब्रेन्स और 3 वॉल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो ओवरीज, ये ओवरीज है, ठीक है, जिनके अंदर ये आप दिख रहे हैं, ये ओवरियोल्स हैं, है ना, एक ओवरी में 8 ओवरियोल्स होते हैं। इसके बाद ये ओवरीज जिस डक्ट के थ्रू ओपन हो रही हैं, दे आर कॉल्ड द ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट के बाद फिर ये आपस में मिल गए, ये कॉमन डक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक चैम्बर प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड द स्पर्मेटिकी, जो कि स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करता है ना। जब फीमेल के पास स्पर्म्स आएंगे तो उनको स्टोर करने का काम ये स्पर्मेटिकी करते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 स्पर्मेटिकी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? उसके बाद यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रांचेस टाइप का ग्लैंड, इट इज कॉल्ड द कोलेट्रियल ग्लैंड। तो ये लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड और ये राइट कोलेट्रियल ग्लैंड, जो लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड है वो बड़ा है ना, और राइट कोलेट्रियल ग्लैंड जो है वो छोटा है। क्या काम करते हैं इस बात को बाद में देखेंगे। इसके बाद जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, जो इसका ये चैम्बर है ना,
जेनेटल चैम्बर, उसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड द ओविपोजिटर्स, जो हैंग हो रहे हैं उसकी वॉल से नीचे की तरफ, ठीक है। ये तीन प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, एक दो तीन इस तरह से, यहाँ पर एक दो तीन, ठीक। दे आर कॉल्ड द ओविपोजिटर्स, या फिर इसको हम फीमेल गैनापोफाइसिस भी बोलते हैं, क्लियर। तो ओवरीज ऑफ कॉकरोच आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल सेगमेंट, है ना, एब्डोमिनल सेगमेंट में होती हैं, और वो 2 to 6 होती हैं, मतलब कि वो, क्योंकि ओवरियोल जो है वो सेकंड सेगमेंट तक हो जाते हैं और 6 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स होते हैं और ओनली वन एग इन ईच ओवरियोल, ठीक है। और एक ओवरियोल जो है वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही एग बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंबाइंडली दोनों ओवरीज कितने एग बनाएंगी, 16, है ना, 16 ओवा बनाएंगी, ठीक, एट अ टाइम इन अ कॉकरोच। टू ओविडक्ट फ्रॉम ईच साइड ओपन इन टू अ कॉमन ओविडक्ट, ठीक, और वेजाइना, इसको हम वेजाइना बोलेंगे, विच ओपन इन टू द जेनेटल चैम्बर, और फाइनली जो किसमें ओपन हो जाएगा, जेनेटल चैम्बर में। ए पेयर ऑफ कोलिट्रियल ग्लैंड ऑल्सो ओपन द जेनेटल चैम्बर, आप देखिए कोलिट्रियल ग्लैंड का जो पेयर है ये भी कहां पर ओपन हो रहा है, जेनेटल चैम्बर में। जेनेटल पाउच इज डिवाइडेड इन टू द जेनेटल चैम्बर, इसमें जो जेनेटल पाउच है ये, इसके अंदर जेनेटल चैम्बर प्रेजेंट है फ्रंट में और नीचे, ये मतलब यहाँ पर ये जेनेटल चैम्बर है और ये जो ऊपर प्रेजेंट है इट द उथिकल चैम्बर, ठीक है। इसको हम उथिकल चैम्बर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये बात अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फीमेल जेनेटल कंसिस्ट ऑफ द 3 पेयर्स ऑफ काइटेनस प्रोसेस, ठीक, और जो फीमेल जेनेटल चैम्बर है उसमें 3 काइटेनस प्रोसेस प्रेजेंट है, मैंने बताया था ये वाला, 3 पेयर्स में, ठीक। हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द उथिकल चैम्बर, उथिकल चैम्बर के रूफ से वो हैंग हो रहे हैं इन टू इट्स कैविटी, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर्स। यही क्या है, ओविपोजिटर्स, क्यों, क्योंकि जो भी ओवम आएंगे ऊपर से उनको अरेंज करने का काम दो रो में, है ना, दो रोज के अंदर उनको अरेंज करने का काम किसका होगा, इन्हीं ओविपोजिटर्स का होगा, ठीक है। तो दो पैरल रेज रो के अंदर ये, है ना, क्या करते हैं, जितने भी ओवम आते हैं, जो भी ओवा आता है उसको अरेंज कर देते हैं। तो 16 ओवा आएंगे तो 8 ओवा इस तरह इधर अरेंज हो जाएंगे और 8 ओवा यहां पर अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो मेल इंसर्ट होल ऑफ इट्स फेलोमियर्स, जो भी उसके फेलोमियर्स थे वो उसको क्या करता है, फीमेल जेनेटल पाउच के अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। एंड लिबरेट स्पर्मेटोफोर्स, तो जो भी स्पर्मेटोफोर्स वहां पर बने थे ना, थ्री लेयर्ड स्पर्मेटोफोर्स, उनको वो क्या करता है, वहां पर लिबरेट कर देता है। अब जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं वो 20 आवर्स तक फीमेल के जेनेटल पाउच में रहते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस पीरियड में क्या होता है, जितने भी स्पर्म उस स्पर्मेटोफोर में प्रेजेंट थे वो वहां से निकलते हैं और निकलकर जो फीमेल का स्पर्मेटिकी है वहां पर जाकर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो खाली हो जाता है वो स्पर्मेटोफोर, मतलब जो उसकी जो केस था, जो वो खाली हो जाता है, तो वो कहां निकल जाता है, वो उसको बॉडी से फीमेल बाहर कर देती है केस को, ठीक है। तो 16 ओवा, इसके बाद क्या होता है कि जो 16 ओवा होते हैं, वन फ्रॉम द ईच ओवरियल, ठीक है, ऑफ द टू ओवरीज आर डिस्चार्ज एट अ टाइम, वो एक मतलब एक टाइम में 16 ओवा आते हैं जेनेटल पाउच के अंदर, और वो ओविपोजिटर्स क्या करते हैं, मतलब कि फीमेल गोनोपोफाइसिस क्या करता है, उनको दो पैरेलल रोज में, 8-8 की रोज में अरेंज कर देता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली स्पर्म्स स्टोर्ड इन द स्पर्मेथिकी आर ऑल्सो डिस्चार्ज, और उसके बाद फिर क्या होते हैं, जो स्पर्म्स स्पर्मेथिकी में स्टोर थे, है ना, वो क्या होते हैं, वहां से डिस्चार्ज होते हैं जेनेटल पाउच के अंदर टू फर्टिलाइज द ओवा, जिससे कि ओवा के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, और आफ्टर दैट दे आर फर्टिलाइज्ड आर एनकेज्ड इन ए कैप्सूल कॉल्ड उतिकी, है ना। जो अब वो 16 ओवा थे जो फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, तो वो एक कैप्सूल के अंदर कवर हो जाते हैं, है ना, उसके ऊपर एक कैप्सूल बनने लगता है, दैट इज कॉल्ड द उतिकी। ऑन उतिकी, जो उतिकी है उसके ऊपर अब एक स्क्लेरोप्रोटीन डेवलप होता है ना, जो कि सिक्रीट कौन करता था, कोलेटरल ग्लैंड, मैंने आपको दिखाया था वो ब्रांचेस वाला ग्लैंड, ठीक, वो एक क्या करता है, एक स्क्लेरोप्रोटीन सिक्रीट करता है, एक हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है, जो कि क्या करती है, डार्क रेडिश और ब्राउनिश होती है, ठीक है, और वो एक केस बना देती है, मतलब एक जस्ट जैसे सॉप केस होता है उस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज द उथिका। तो ये रहा उथिका, देखिए ये जो एग है इट इज द उथिका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो उथिका है, है ना, ये उथिका, वो कॉकरोच क्या करता है, उसको किसी ह्यूमिड सरफेस पर छोड़ देता है ना, ड्रॉप कर देता है। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 उथिका, मतलब एक फीमेल जो है वो 9 से 10 उथिका एक बार में प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और एक उथिका के अंदर कितने एग थे, 16। डेवलपमेंट ऑफ एग टेक्स प्लेस इनसाइड द उथिका, फिर जो एग का जो अंदर मतलब फर्टिलाइज्ड है उसका जो डेवलपमेंट है वो उथिका के अंदर होगा। एंड जो ये डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, पोरोमेटाबोलस, ठीक है। इसमें एक टर्म है, दैट इज द पोरोमेटाबोलस, इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो क्योंकि इसमें क्या होता है, पोरोमेटाबोलस में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं निम्फल स्टेज,
ठीक है। तो ये जो एग से जो बनता है सबसे पहले, जो छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द निम्फ, है ना। और ये निम्फ जो है ये डेवलप्ड नहीं है, ये फुली डेवलप्ड नहीं है, मतलब ये अडल्ट कॉकरोच नहीं है, इनमें बहुत सारे अभी ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते हैं, क्लियर। तो जो डेवलपमेंट होता है वो 4 to 8 वीक्स का होता है, मतलब कि जस्ट 4 to 8 वीक्स लगते हैं इसको यहां तक डेवलप होने में, निम्फ तक डेवलप होने में। बट इस निम्फ को अडल्ट कॉकरोच बनने में कम से कम 1 साल लग जाता है, और ये वेरियस स्टेजेस से क्रॉस होता है ना। ये जो प्रोसेस है उसका मॉल्ट होना है ना, दे आर द मॉल्टिंग, और ये 13 टाइम्स अपने आप को मॉल्ट करता है, ठीक है। और फिर वो 1 साल में जाकर क्या होता है, अडल्ट कॉकरोच बनता है। अभी तक इसके पास क्या थे, विंग्स नहीं थे, है ना। जो ये है इसमें विंग्स नहीं होते हैं, देखो यहाँ पर विंग्स नहीं है, मगर जैसे वो अडल्ट कॉकरोच बनता है तो उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, विंग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं, मगर निम्स के पास विंग्स नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉकरोच, उसकी हमने एनाटॉमी देखी और मॉर्फोलॉजी देखी।